सो बेटा साइबर एथिक्स क्या होता है, व्हाट आर साइबर एथिक्स, ठीक है। साइबर एथिक्स में दो टर्म यूज कर रहे हैं, पहला साइबर और दूसरा एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स बेटा वो सोशल वैल्यूज हैं जो हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हम बाबा सिखाते हैं हमारे, और हमारे स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है। वो सारी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में हैं, या फिर जो फंडामेंटल राइट्स अनरिटन में भी हैं, वो सारी अच्छी आदतें हमारी, वो सारे अच्छे व्यवहार जो हमारे संस्कार हैं, जिनके माध्यम से आज के समय में मानव समाज एग्जिस्ट कर रहा है, और जिनको फॉलो करने से ये जो हमारी सोसाइटी है एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बन पाती है ना, समझ रहे हैं आप। अच्छा दूसरा क्या है बेटा, कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि साइबर एथिक्स की, अब एथिक्स हम समझ चुके हैं, तो साइबर एथिक्स क्या है। साइबर एथिक्स वो चीज़ है जो हमारी एक्टिविटी को ऑनलाइन वर्ल्ड में चेक की जाती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के एप्रोप्रिएट यूज को, प्रॉपर यूज को, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को अपनी सोसाइटी में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे साइबर एथिक्स, उसे हम साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स में हमारे पास दो तीन कैटेगरीज हैं जिनके बेस पर हम किसी को जज करते हैं। सोशल वैल्यूज़ हैं, लीगल वैल्यूज़ हैं, और उसके लिए जो हमारे सिलेबस में है सोशल वैल्यूज, लीगल वैल्यूज और प्रोफेशनल वैल्यूज, है ना। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय साइबर एथिक्स। एथिक्स आर सेट्स ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट अ पर्सन शुड अवॉइड बाय, फंडामेंटल राइट्स एज स्पेसिफाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन मॉरल वैल्यूज इंट्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स एंड अवर स्कूल। वी मे से दैट एथिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड सिस्टम। साइबर एथिक्स इज एनालिसिस ऑफ द नेचर एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। साइबर एथिक्स इन्वॉल्व सोशल इशूज, एक्सेस राइट्स, सेंसरशिप, जंक मेल्स ETC, एंड लीगल इशू कंप्यूटर मिसयूज और सॉफ्टवेयर पायरेसी। प्रोफेशनल इशूज कोड ऑफ कंडक्ट एंड एट्सेट्रा। तो बेटा यहाँ पे हमने समझा साइबर एथिक्स में एथिक्स क्या है। एथिक्स बेटा वो सेट हैं मॉरल प्रिंसिपल के जो एक व्यक्ति अपने जीवन में जिनको फॉलो करता है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स आते हैं जिसके अंतर्गत, ठीक है, जो स्पेसिफाई किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और बहुत सारी अनरिटन मॉरल वैल्यूज़ हैं, मीन्स किसी की चीज़ चुरानी नहीं है, किसी की बात छुपकर सुननी नहीं है, ये सारी बातें जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारा स्कूल हमें सिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एथिक्स हमारे ह्यूमन सोसाइटी के अस्तित्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसको वैल्यू बेस्ड बनाते हैं। तो साइबर एथिक्स क्या है, कंप्यूटर के प्रॉपर यूज के साथ उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी स्टडी को बोलेंगे साइबर एथिक्स। सोशल इश्यूज हो सकते हैं साइबर एथिक्स के, लीगल इशू हो सकते हैं, और प्रोफेशनल इशू भी हो सकते हैं।